क्या था? कल जो हमने रिवीजन किया था रोटेशन का, आज हम उसी के ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक ओके सर। है, तो पढ़ के आए हो? क्वेश्चन बोला था मैंने आपको बनाने के लिए, बनाया आप लोगों ने? यस सर। चलो देख लेंगे यार, अभी पता चल जाएगा तुमको। चलो एक क्वेश्चन दे रखा है, द डेंसिटी ऑफ टू सॉलिड स्फेयर ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल आर वेरीज विद रेडियल डिस्टेंस इतना इतना, ऐसे ऐसे है रेस्पेक्टली। आपसे पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंडिविजुअल स्फेयर अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर इज आई ए और आई बी, तो आपको बताना है इनका रेशियो, अगर एन अपॉन टेन है तो इनकी वैल्यू। बताओ जल्दी से। हो जाएगा सबसे। हाँ जाएगा ठीक, करना चाहिए साथ में, चेक करवा दो। एक बार करवा देता हूँ। चलो ठीक है, देखो ध्यान से, एक चीज समझना ध्यान से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है वेरिएबल मासेस के लिए? किसी को याद है? अगर मास वेरिएबल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आर स्क्वेयर डीएम, पता है सबको, यस है ना? आर स्क्वायर डीएम होता है। अब आपसे बोला है कि एक तेरह का सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर की जो डेंसिटी है, सॉलिड स्फीयर की जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है, रेडियस के साथ इंक्रीज हो रही है कि ये इस फंक्शन पे डिपेंड कर रही है, तो कैसे बनाएंगे हम डीएम, कैसे बनाएंगे? किसी को आता है नहीं बनाना? अगर डेंसिटी दे रखी बच्चा, तो मुझे मास चाहिए। देखो तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो अगर मुझे मास चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, क्या डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम हो जाएगा? यस एक है ना, अब ध्यान से समझना ध्यान से, कैसे होगा? अब हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन यहाँ पे, बट कैसे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अगर तुम ध्यान से देखो तो, सिंस जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इतने रेडियस में जाएं, स्मॉल आर इतना ले लूं मैं और आर रेडियस पे देखूं तो इसकी डेंसिटी कुछ और होगी, और आगे देखें अगर फॉर एग्जाम्पल एक कैपिटल आर की तो इसकी डेंसिटी कुछ और होगी। ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो मास भी धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा। तो आपने इंटीग्रेशन मेथड सीखी होगी कि पहले छोटा सा सेक्शन कट करो, फिर वो धीरे 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 उसको इंटीग्रेट करते चले जाओ। तो अभी हम वही करने वाले हैं, तो हम ये बोलने वाले हैं, देखना ध्यान से, अब ये वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा। तो देखो वॉल्यूम को हमें पता है कि सॉलिड सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³, यही होता है यस वॉल्यूम, है सर। पक्का? तो अगर ये वॉल्यूम जो देखो, जो वॉल्यूम है वॉल्यूम रेडियस के साथ चेंज हो रहा है, जैसे जैसे रेडियस है वैसे वैसे इसका वॉल्यूम चेंज होता जाएगा, तो हमें इसको करना है डिफरेंशिएट पहले। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू आर, डीवी अपॉन डीआर कर देता हूं, तो देखो क्या आ जाएगा, 4/3 π × 3 बाहर आ गया और अंदर बचेगा r². ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो डीवी की वैल्यू देखो क्या आ गई बच्चा पार्टी, ये आ गई 4π r² × dr। ये समझ में आया नहीं आया सबको, यस है ना? सर, तो चला ये बेटा वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऐसे चेंज हो रहा है। अब हमें चाहिए मास में चेंज, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, r² dm। तो मुझे अगर डीएम चाहिए तो मुझे पता है डेंसिटी हमें दे रखी है, डेंसिटी टाइम्स मुझे लिखना पड़ेगा डीवी, क्लियर है? क्योंकि डेंसिटी हमारा इसके साथ बढ़ती जा रही है, बढ़ती है घटती है जो भी है हम उसको देखेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल ए के लिए देखें, तो ए के लिए बोल लो ये हो जाएगा डीएम इक्वल टू के टाइम्स स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू डीवी, डीवी की वैल्यू तुम इसकी ये रख दो, तो डीएम की वैल्यू बच्चा पार्टी आ गई के इंटू आर अपॉन कैपिटल आर इंटू 4π r² × dr। यहां तक क्लियरिटी है सबको, है यस सर। ना? अब हमें क्या करना है भाई, हमें पता करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इंटू डीएम, तो
इसको इधर करते हैं थोड़ा सा, इस इधर स्पेस लेते हैं ऐसे इधर की तरफ। अरे जो आपने मास को डिफरेंशिएट किया है, मतलब ये है ना एम हाँ इक्वल्स टू होगी सर, इसमें हमारी डेंसिटी भी चेंज हो रही है और वॉल्यूम भी, हाँ जी बिल्कुल, तो सर हमें दोनों को करना चाहिए, मतलब डिफरेंशिएशन में तो दोनों ही होंगे। किसमें डिफरेंशिएट दोनों में होंगे? नहीं देखो ये तो ऑलरेडी ये चेंज हो रहा है, ये आर के साथ इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, समझ रहे हो? डेंसिटी देखो, डेंसिटी देखो क्या हो रहा है, आप ये समझो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी, डी एम अपॉन डीवी होगी। क्योंकि तो देखो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा उसकी डेंसिटी के हिसाब से उसका मास भी चेंज होता रहेगा, समझ गए? तो जो डीएम है ये हो जाएगा रो इंटू डीवी। तुम्हें इंटीग्रेशन की प्रोसेस अगर मुझे पता नहीं तुम्हें आती है नहीं आती, कैसे लगाते हैं, अगर आती होती तो तुम समझ जाते। अगर चलो मैं तुम्हें 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? अगर तुम्हारे पास टाइम है तो सिंपल सा चीज होता है, देखो कैसे लगाना है बच्चा। तुम्हें एक चीज बताता हूँ, उसे सिखाता हूँ, ध्यान से सीख लेना तुम्हारे इंटीग्रेशन में काम आ जाएगी। लगाते कैसे हैं हमेशा याद रखना लेना, अगर फॉर एग्जाम्पल 3 चीजें डिफाइन की जाती हैं, क्या डिफाइन की जाती है? एक डिफाइन की जाती है, एक बोलते हैं हम जिसको बोलते हैं यार, तुमने सुना होगा लीनियर मास करके, सुना है क्या लीनियर मास? जैसे लीनियर चार्ज सुना होगा तुमने, है ना? दूसरा यस दूसरा तुमने सुना होगा एरियल, एरियल मास, या कि इसको तुमने सुना होगा एरियल चार्ज, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से नॉर्मली, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, लेमडा से। और तीसरा होता है भाई तुम्हारा होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, वॉल्यूमेट्रिक मास, देखिए वॉल्यूमेट्रिक चार्ज होता है बच्चा पार्टी। कहीं भी देख लेना पूरे पूरे फिजिक्स में हर जगह यही 3 चीजें काम करती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कि भाई पहले केस में तुम्हें बता रहा हूँ लीनियर मास है, और तुमसे बोला कि भाई किसी भी प्रॉब्लम किसी भी पार्टिकल की लीनियर मास डेंसिटी दे रखी समथिंग कुछ भी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल तुमसे बोला 5 kg/m ऐसे तुम्हें दे दिया, और तुमसे बोला कि बताओ इसकी कितनी वैल्यू होगी। तो याद रखना पहले क्या हुआ कि चार्ज डिफाइन कर दिया, हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो तुमसे बोला कि इसका मास निकालो, ठीक है, अगर तुम्हें मास निकालना है तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले डीएम कट करना है। डीएम तुम कैसे लिखोगे? डीएम हमेशा देखो लेमडा क्या होता है, लेमडा होता है तुम्हें पता होगा मास अपॉन लेंथ होता है, सबको पता है कि नहीं पता, पता यस सर है ना? ये तुम्हें पता है। फिर तुम्हें सिग्मा पता है, सिग्मा होता है भाई मास अपॉन एरिया, ऐसे इस तरह से रेट डिफाइन करते हैं वो लोग। अच्छा भाई एरिया, फिर ऐसे बेटा होता है तुम्हारा रो, रो क्या हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। सेम कहानी होती है भाई चार्ज में, चार्ज अगर उसको बोलना, बोलने का तरीका बदल जाता है बस, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये हो जाता है टोटल चार्ज डिवाइड बाय लेंथ, ये हो गया तुम्हारा टोटल चार्ज डिवाइड बाय एरिया, और ये हो जाता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय, ये तुम पढ़ोगे फ्लक्स में, फ्लक्स वगैरह निकालते टाइम, ये हो जाता है वॉल्यूम में, ऐसे कर देते हैं। ये रेट डिफाइन करे, जब भी तुम्हें याद रखना, जब भी तुम्हें इस तरह की प्रोसेस हो रखी हो और तुमसे पूछे टोटल मास क्या है, तो तुम्हें याद रख लेना है, अगर तुम्हें लेमडा दे या कि ये दे या कि ये दे, तो तुम्हारा दिमाग कहाँ पे दौड़ना चाहिए, सबसे पहले तुम्हें इंटीग्रेशन लगाना, ये तो क्लियर है। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना, मान लो अगर तुम्हें सिग्मा दे रखा है तो तुम क्या करो, पूरे का पूरा तुम्हें पता चल गया कि भाई मास का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ में है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, छोटा सा सेक्शन डीएक्स कट करना है, समझ में आया? तुम्हें हमेशा क्या करना है, डीएक्स कट करना है, और अगर उससे तुमसे बोला कि इसका डीएम लिखो, तो डीएम हमेशा लेमडा इंटू डीएक्स हो जाएगा, और बाद में इंटीग्रेट कर दो। सेम कहानी अगर तुमसे सिग्मा दे रखा है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एरिया कट करना है, छोटा सा एरिया डीए कट करना है हमेशा। अब डीए तुम कैसे कट करोगे देख सकते हो, तुम अपना देख लेना। तो तुम्हें डीए हमेशा ढूंढना है कि कैसा वॉल्यूम है मैं ढूंढू जिससे मैं इंटीग्रेट करूं। तो ये डीएम लिखा जाएगा हमेशा सिग्मा इंटू डीए, और अगर तुम्हारा मान लो वॉल्यूम डिफाइन कर दिया, जैसे इस क्वेश्चन में डिफाइन किया वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम दे रखा है तो तुम्हें हमेशा ढूंढना है डीवी, ठीक है, डीवी ढूंढना है, और इस डीवी को ढूंढने के बाद तुम्हें क्या करना है, अगर तुमसे मांगा है डीएम, तो डीएम हो जाएगा तुम्हारा रो इंटू डीवी, हमेशा ही ये लिखा जाता है। ये चीज सबको समझ में आई, ये एक प्रोसेस होती है इंटीग्रेशन को यूज करने की। कहानी समझ में आई नहीं आई? आगे ना, है ना? तो अब यहाँ पे देखो तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा भाई, तुमसे क्वेश्चन में पूछा है कि रो दे रखा है तुम्हें, रो डिफाइन कर रखा है, तो रो डिफाइन करते ही तुम्हें क्या ढूंढना है, डीवी ढूंढना है कि डीवी कितना होगा। डीवी लिखने के कई 500 तरीके हैं, और एक सबसे अच्छा तरीका क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर डीवी तुम्हें पता है वॉल्यूम में है, और सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को ये करने में कि जैसे फॉर एग्जांपल इस ये स्फीयर दे रखा है और आपसे बोला कि भाई जो डेंसिटी है वो रेडियस के साथ चेंज हो रही है, तो तुम सिंपल सा क्या करो बच्चा पार्टी, आप क्या करिए कि आर रेडियस का तुम क्या करो, एक छोटा सा तुम क्या करो सॉलिड स्फीयर ही ड्रॉ करना। अगर ये सॉलिड स्फीयर है बच्चा, याद रख लेना है, दिस इज अ रूल, अगर ये सॉलिड स्फीयर है तुम्हें इसका वॉल्यूम कट करना है तो तुम सॉलिड स्फीयर का आर रेडियस का कट करो और इसका वॉल्यूम लिख दो, इसको बोलो कि भाई ये हो गया 4 पाई आर क्यूब हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ चाहिए डीवी, तो डीवी तुम्हारा चेंज हो रहा है रेडियस के साथ, और तुम्हें पता है डेंसिटी भी रेडियस के साथ चेंज हो रही है, तो तुम इसको ये लिखो हमेशा, दिस इज अ रूल, तो ये हो जाता है 4/3 π/3 r² ये आ गया, 3 से 3 कट जाता है, और तो डीवी की वैल्यू हो गई 4 π r² d r। समझ में? कई बार देखो तो कई बार क्या होता है, कई बार तुम्हें कई टीचर बताएंगे ऐसा भी एक तरीका और होता है, क्या तरीका है बच्चा वो जो तुमने पढ़ा होगा, वो बोलते हैं कि आप आर रेडियस में जाइए और डी आर का डी आर थिकनेस का एक छोटा सा हॉलो स्फीयर कट करो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हॉलो स्फीयर मिला के ये हो जाएगा, अब इसकी थिकनेस वो बोल देते हैं कि ये डी आर ले लो, ये हॉलो है। अब तुम्हें पता है कि ये अगर हॉलो है तो हॉलो का भाई क्या होता है, हॉलो का एरिया, अंदर कोई मटेरियल नहीं तो एरिया होता है भाई 4 π r² और फिर बोलते हैं अगर तुम्हें वॉल्यूम चाहिए तो तुम इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? यस है ना, ये चीज तुमने पढ़ी होंगी, ये चीजें तुम्हें बताई गई होंगी कि तुम पहले हॉलो स्फीयर कट कर लो और बाद में ये सिंस इसका डीआर है, अगर तुम्हें वॉल्यूम पता करना है तुम इसके इससे मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया इंटू ये वॉल्यूम आ गया। तो चाहे तुम्हें अगर ये चीज प्रोसेस समझ में आती है तो ये करो, अदरवाइज ये सिंपल प्रोसेस जो मैं यूज करता हूँ नॉर्मली बच्चों को सिखाता हूँ आप ये भी यूज कर सकते हो। तो यहां से देखो बेटा तुम्हें डीवी आ गया, अब अगर तुम्हें डीवी आ गया और तुमसे पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है भाई इंटीग्रेशन ऑफ r² dm। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा डीएम, अब डीएम वहां पे दे रखा था के इंटू आर अपॉन कैपिटल आर इंटू डीवी हो गया। ठीक है, अब सिंस हम क्या करेंगे, ये वैल्यू देखो यहाँ पे रखते हैं तो क्या देखो क्या मिलेगा हमें, के अपॉन आर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हम लगाते हैं तो अंदर बचेगा 4 π r² इंटू कितना बचा, आर इंटू आर स्क्वेयर इंटू डी आर। ये समझ में आया नहीं आया? सर आया, क्योंकि इसको देखो डीएम तुम लिखोगे के इंटू आर अपॉन कैपिटल आर और ये हो गया देखो 4 π r² इंटू डी आर, ये तुमने ये लिखा है, तो यही वैल्यू मैं लिख रहा हूँ और कुछ नहीं, तो 4 π r² इंटू आर ये लिखना ही है, बाकी वैल्यू कॉन्स्टेंट बाहर। तो देखो आई इक्वल टू हो गया देखो 4 π इंटू के अपॉन कैपिटल आर इंटीग्रेशन कितना आर स्क्वेयर आर, ये 3 और ये हो गया 5, तो मेरे ख्याल से r5 dr। यहां तक समझ में आया तुमको? नहीं आया यस है ना, लिमिट बोलो कहां से कहां तक, सॉलिड स्फीयर है कहां से कहां तक ली जाएगी, क्या सेंटर से लेके बाहर कैपिटल आर तक ली जाएगी? समझ यस में आया नहीं आया? तो देख बच्चा क्या हो जाएगा, देखो आई इक्वल टू हो गया तुम्हारा 4 π into k upon capital R, इंटीग्रेट कर लो तो ये हो जाएगा r6/6, लिमिट रख दो तो तुम्हारे ख्याल मेरे ख्याल से r से एक r निपट भी जाएगा, तो मेरे ख्याल से 4 π k upon तुम्हारा कितना है यार 6 into आएगा, आंसर आया r की पावर 5। समझ में आया नहीं आया ये चीज? सर है ना, यहां तक क्लियर है सबको? फिर देखो तुम्हें तुम्हें दूसरे वाले में क्या बोला था, के की वैल्यू क्या ली है इन्होंने, देखो के की वैल्यू ली है उन्होंने, सॉरी बी डेंसिटी ली रखी है के इंटू आर अपॉन आर की पावर 5, इसको भी अपन कर लेते हैं, ये भी बहुत आसान हो गया। देखो अब तुम्हें प्रोसेस समझ में आ गई है, तो आई इक्वल टू हो जाएगा बेटा डेंसिटी, इन्होंने दूसरे केस में यार इसमें क्यों हैंग हो रहा है, डेंसिटी ऑफ बी बोला उन्होंने के इंटू आर अपॉन कैपिटल आर की पावर भाई कितना 5 है, क्या दिक्कत है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन, ये समझ में आया नहीं आया आपको? वही करेंगे हम, r² इंटू जो भी होगा डीएम होगा, डीएम तुम्हें लिखना आ गया है मैंने बता ही दिया है, तो ये देखो r² इंटू डेंसिटी, डेंसिटी है r अपॉन कैपिटल R की पावर 5 इंटू तुम्हारा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 4 π r² इनटू dr,
ये तुम्हारा बच्चा ये हो गया। अब इससे तुम निकाल लो बाहर क्या क्या आ जाएगा। देखो 4π k / r^5 अंदर कितना बचा, देखो 5 × 5 = 7 और 7 × 2 = 9, तो r^9 बचा और dr बचा, और इसकी लिमिट 0 से कैपिटल आर तक। इंटीग्रेट कर दो भाई, 4π k / कितना r^5 लिमिट हो गई, और ये बचा कितना r^10, r^10/10 इतना आ गया। इंटीग्रेट कर दोगे तो देखो 5 से 5 खत्म हो गए तो बचा 5, तो ये वैल्यू आ गई तुम्हारी देखो 4π k/10 × r^5। ये है बेटा तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी। समझ में आया नहीं आया सबको, आया सर। ना बच्चा? और तुमसे पूछा क्या था, तुमसे क्वेश्चन पूछा था IB/IA निकाला है, n/10 है, ठीक है, IB/IA बोला है। तो देखो 1 मिनट यार, ये हम किस साइड में पहुंच गए, इधर वाली है, IB/IA है, बोलो जल्दी से कितना 100 है ना। देखो IB/IA, बिल्कुल IA हो गया, तो यहाँ पे तुम्हें पता है 4π कितना है, 4π k/10 × r^5 / 4π k/6 × r^5। ये आया था देखो, इससे ये खत्म हो गया, 4π k से 4π k खत्म, 6 ऊपर गया, 6/10, और इसको बोला है n/10 के बराबर है, तो n की वैल्यू मेरे ख्याल से 6 आ गई, समझ गए? आसान आसान है नहीं है? आसान है ना भाई। अगर तुमने क्या बोलते हैं रिंग या कि डिस्क वगैरह का तुमने अगर वो निकाला होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन मेथड से निकाला होगा, तो तुम्हें ये चीजें समझ में आ गई होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल सेम सेम तरीके से मैं तुम्हें बता देता हूँ डिस्क कौन आया यार। अब देखो जल्दी से, जल्दी जल्दी अपन थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। अगर यही प्रोसेस, सेम यू प्रोसेस हम यूज करते हैं इन सब चीजों को निकालने के लिए, फॉर एग्जाम्पल देखो ठीक है, अगर मुझे निकालना है जल्दी से मैं बता देता हूँ, बहुत टाइम नहीं लूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर ये रिंग है, यहां से देखना इस सेंटर के अबाउट मुझे रोटेट करना है, तो इसका अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, कौन है यार ये, देख बेटा ये आ गया, तो ध्यान से देखना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं होगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर ये रिंग है तो मुझे बताओ मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जल्दी बताओ, ये चीजें सीख लो क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं। मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बताओ, लैम्डा में है कि सिग्मा में है कि रो में है, जल्दी बताओ, अगर रिंग में। लैम्डा में लैम्डा में सबको समझ में आया कि नहीं आया? अरे रिंग है भाई ना, रिंग में तो मास क्या होता है, लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेंथ के चारों तरफ होता है, तो मैं इसको अगर लैम्डा डिफाइन करना है तो बताओ लैम्डा इक्वल टू कितना, क्या लैम्डा इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ हो जाएगी, विच इज 2π r। समझ में आया नहीं आया? आया। अब अगर देखो ध्यान से, अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखनी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है कि मैं क्या करूं, डीएम डिफाइन करूं, डीएम होता है लैम्डा इनटू तुम्हारा जो हो गया डीएक्स हो गया फॉर एग्जांपल। अब अगर ये लेंथ है तुम्हारी डीएक्स है फॉर एग्जांपल, तो ये तुम्हारा ये वैल्यू हो गई। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है तुम्हारी r² × dm। आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर है उस एक्सिस से उस छोटे से एलिमेंटल मास की दूरी है जहां से रोटेट करेगा। तो देखो मैं इसको लिख देता हूँ r² × dm। dm तुम्हारा तुम ऑलरेडी तुम्हें पता है ये कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू डीएक्स हो गया। अब तुम इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो भाई, कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, लेंथ हम देखो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डीएक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये डीएक्स कहां से कहां चेंज हो जाएगा, ये 0 से लेके क्या ये 2π r तक चेंज होगा, समझ में आया नहीं आया है ना। तब तुम देख लो यार r² अब ये बताओ r² यहाँ पे कांस्टेंट है कि चेंज हो रही है, जल्दी से बोलो। जैसे देखो ध्यान से देखिए, बताओ जल्दी से मुझे, ये यहाँ पे dx है, इसके लिए रेडियस r है, यहाँ पे जो मास है क्या इसके लिए रेडियस चेंज हो रही, सेम है, सेम है, सेम है ना, इसके लिए सेम है। देखो तुम ये एलिमेंटल मास देखोगे इसके लिए सेम है, तो इससे r की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, समझ गए? तो हम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे ले लेंगे, देखो ध्यान से, इसको हम बोल देंगे r² सॉरी क्या चीज बाहर आ जाएगी, देखो ध्यान से,
लैम्डा इंटू आर स्क्वायर, आर आर स्मॉल आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर ले लिया, और अंदर बचेगा 1 इंटू डी एक्स लिमिट 0 से 2 पाई आर। अब इसकी वैल्यू इंटीग्रेट कर दो तो लैम्डा आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर माइनस 0, ये वैल्यू लैम्डा की वैल्यू होती है m अपॉन 2 पाई आर इंटू, देखो 2 पाई आर हो गई और मल्टीप्लाई बाय तुम्हारे आर स्क्वायर है, 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म। देखो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया बताओ जल्दी से, क्या एम आर स्क्वायर आ गया, आया नहीं आया? यस सर आ गया। सबको नहीं कर, ये वाला प्रोसेस निकालना आता है नहीं आता है? ठीक है, फिर अगर ऐसे तुमसे मैंने पूछ लिया, कई बार एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आ गया, क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने ऐसा, तुमसे बोला कि हाफ रिंग है और इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, अगर इसका मास एम है रेडियस आर है और इस पॉइंट से हम रोटेट कर रहे हैं, जल्दी से बता सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा अगर हाफ रिंग है तो? अगर तुम्हारे सामने ऑप्शन रख दूं मैं एम आर स्क्वायर, सिंस ये आधी हो चुकी है तो एम आर स्क्वायर बाय 2, आगे आधी हो चुकी है तो मान लो एम आर स्क्वायर बाय 4, और अगर मैं तुमसे बोल दूं जल्दी से एम आर स्क्वायर बाय 8, बोलो वैल्यू कितनी? जल्दी से हाँ हीरो, यार तुम लोगों को नहीं आता ऐसे मत करो यार, एडवांस देने जा रहे हो, बोलो जल्दी से, क्या दूसरा ऑप्शन हो जाएगा क्या? साफ साफ दिख रहे हैं कि तीसरा ऑप्शन दूसरा होगा? दूसरा होगा भाई, दूसरा नहीं है, गलत है। देखो भाई देखो देखो देखो, ऐसा मत करो यार, तुम नाम क्या कटवाओगे। देखो सिंपल प्रोसेस, सेम कहानी, वेरी इजी, बताओ मास किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मास के एरिया में कि लेंथ में? जल्दी बोलो, लेंथ में। तो लैम्डा बोलो कैसे डिफाइन करूंगा, क्या एम अपॉन बोलो क्या होगा, एम अपॉन 2 पाई आर की पाई आर? पाई आर डिफाइन हुआ। फिर अगर मुझे डीएम लिखना है तो सिंस हमने लैम्डा डिफाइन किया है लेंथ में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे केजी पर मीटर है, लेंथ में चेंज हो रहा है तो हमें क्या करना है, लेंथ में ही वो करना है, गेम खेलना है, तो हमेशा क्या डिफाइन किया जाए कि लैम्डा इनटू डीएक्स ही डिफाइन किया जाता है अगर मास लैम्डा के साथ चेंज हो रहा है तो। ये छोटा सा डीएक्स ले लो, फिर तुम्हें ये पता है, बाद में फॉर्मूला में चिपका दो यार, फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इनटू डीएम। सिंस तुम्हें पता है सारे के सारे जो एलिमेंटल मास कटेंगे उन सबकी रेडियस जो होगी चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी, तो आर स्क्वायर देखो बाहर ले लो तुम, और डीएम की वैल्यू तुमने लिख दी लैम्डा इनटू डीएक्स, लिमिट कहां से कहां तक जल्दी बोलो? 0 से पाई आर। पक्का 0 से ले लो यार, पाई आर ले लो तुम बाहर, कोई बात नहीं। तो देखो लैम्डा इनटू आर स्क्वायर इंटीग्रेशन करोगे बच्चा पार्टी, आप इंटीग्रेशन करोगे तो वापस डीएक्स का बचेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके देखो पाई आर 1 इनटू डीएक्स, 1 का करोगे तो वही x आएगा और x की जगह लिमिट रखोगे तो लैम्डा इंटू आर स्क्वायर इंटू पाई आर आ गया। अब इसको ओपन कर लो, m अपॉन पाई आर इंटू आर स्क्वायर इंटू पाई आर, देखो ध्यान से पाई आर से पाई आर खत्म हो गया क्या, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? एम आर स्क्वायर ही होता है भाई, याद रखिएगा प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि चाहे रिंग ऐसी हो, याद रख लेना क्वेश्चन आ सकता है, रिंग ऐसी हो पूरी हो, इसका अगर सेंटर के अबाउट, जो ओरिजिनल रिंग है याद रखना, जो ओरिजिनल रिंग है उस सेंटर के अबाउट रोटेट करोगे एम आर स्क्वायर होगा। अगर उसी रिंग को कट कर दो और सेंटर अभी भी वही है अभी भी अगर उसका मास एम है तो एम आर स्क्वायर ही होगा। सेम प्रोसेस गोज कि अगर मान लो अभी भी सेंटर वही है, फर्दर उसको मान लो तुम क्वार्टर रिंग में कट कर दो और अभी भी रोटेट कर, आया था क्या कि पहले वो मतलब एक रॉड थी फिर उसको सेमी सर्कल कर दिया तो इस बार दोबारा से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था। हाँ तो देखो आ सकता है, अब तुम्हें इंटीग्रेशन प्रोसेस होती पता होती तो तुम्हें आ सकता है, ठीक है। तो अगर ये 90 में कट करोगे तो सेम रहेगी, अगर तुम किसी भी एंगल पे अगर थीटा डिग्री का भी तुम रिंग कट करोगे स्टिल उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही होगी, बट अगर तुम सेम एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तो,
जो ओरिजिनल एक्सिस का सेंटर था। बात समझ में आई? पर सर इस केस में मास तो जैसे हमारा रिंग कम हुआ था, हमारा मास भी तो कम होता गया उसके साथ साथ। हाँ तो मास कम होता गया ना भाई, मास तो कम होता जाएगा, बट ये एम क्या है, एम मैं क्या बोल रहा हूँ, जो रिंग बची है उसकी हम बात कर रहे हैं, ओरिजिनल मास नहीं है, याद रख लेना। अच्छा अच्छा समझ गए। अगर ये एम है तो पूरे एम की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे रिंग का मास। ये एम है मतलब ये एम हमने माना है इस हाफ रिंग का मास, समझ गए। और ये जो है ये एम माना है मैंने इस क्वार्टर रिंग का मास। फिर ऐसे अगर थीटा डिग्री के लिए मैं कट कर रहा हूँ तो ये इसका मास हो जाएगा। सही चीज़ सारी बॉडीज पे लगा सकता हूँ मैं? सारी पे लगा सकते हो। जैसे डिस्क, डिस्क का सेंटर के अबाउट बताओ जल्दी से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, एम आर स्क्वायर बाय टू रखा मारा है तुमने, ठीक है। यहाँ पे चारों तरफ मटेरियल होता है, फिर इसको अगर तुम मान लो कट कर दो, हाफ डिस्क बना दो, बट सेंटर अभी भी रोटेट वही उसी डिस्क के अबाउट रोटेट हो रहा है, कितना एम आर स्क्वायर बाय टू। मास किसका है, एम किसका है, ये हाफ डिस्क का मास है। फिर अगर तुम वही सेंटर के अबाउट क्वार्टर रिंग क्वार्टर डिस्क भी ले लो बच्चा, ठीक है, क्वार्टर डिस्क ऐसे कट कर लो, अगर इसका मास अभी भी एम है तो एम आर स्क्वायर बाय टू, बट शर्त ये है कि तुम इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो। फिर अगर तुम किसी छोटा एंगल पे भी रोटेट कर रहे हो, अगर ये थीटा बना रही है, थीटा डिग्री पे बना रही है, स्टिल इट विल बी एम आर स्क्वायर बाय टू, इट विल नॉट चेंज। सर इसका रीजन क्या देंगे अगर असर्शन रीजन में आता है ऐसा क्वेश्चन तो? क्या रीजन? कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं हो रहा, हम मतलब बॉडी का पार्ट किए जा रहे हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं भाई, सिंपल सी मेथड है, हम कोई भी देखो जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हम इसको डिराइव करते हैं, इसकी डेरिवेशन की प्रोसेस सेम है, ठीक है, दैट इज आई इक्वल टू आर स्क्वायर इनटू डीएम है, उसी एक्सिस के अबाउट है, समझ गए। तो हम सिर्फ वही करते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, हम इंटीग्रेशन से ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो इसका रीजन तो यार जो तुमने पूछा उसका एक्चुअल रीजन मुझे भी नहीं पता है, मुझे क्या बोलना चाहिए इसका आंसर, सही आंसर तो मुझे नहीं पता, बट अगर आप ऐसे बोला जा सकता है कि एक एक्सिस के अराउंड जब हम मूव करते हैं तो जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेम ही होगा किसी भी एक बॉडी के लिए। पता नहीं सही है नहीं है, आई डोंट नो व्हाट इज, मतलब इसको आप क्या बोल सकते हो, बट ये रिजल्ट आते हैं जो हमें याद रखने चाहिए, समझ गए सर। सर ये डिस्क के लिए एक बार इस इंटीग्रेशन वाले से थोड़ा बताना कैसे होगा? क्या बोल रहा हूँ? डिस्क के लिए सर, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। चलो डिस्क का सारे सारे मिलके निकाल लेते हैं। देखो अब ये बताओ डिस्क का, तुम खुद सोच के बताओ, अभी अभी जो मैंने प्रोसेस बताई है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बता दो जल्दी से, क्या ये लैम्डा में चेंज हो रहा है, रो में चेंज हो रहा है कि सिग्मा में चेंज हो रहा है, जल्दी बताओ खुद। रो में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, डिस्क की मैं बात कर रहा हूँ भाई, वो जो पहले डीवीडीज आती थी, एरिया में चेंज हो रहा है ना भाई, सिग्मा में चेंज। सिग्मा कैसे डिफाइन करेंगे बोलो? मास पर यूनिट हो गया, बिल्कुल। तो क्या सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखो हम छोटी सी एलिमेंटेड डिस्क कैसे कट करेंगे, मान लो मैं छोटा सा एलिमेंटेड डिस्क की मैं बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एकदम छोटा सा है, आर रेडियस का है, ठीक है, आर रेडियस का छोटा सा डिस्क है जो चेंज हो रहा है, वी नो दैट। तो अगर मैं इसका मैं क्या करता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए, तो मैं इसका एरिया लिखूं तो क्या ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, होगा नहीं होगा, होगा ना भाई, ठीक है। अगर इस छोटे से एलिमेंटल वाले की रेडियस आर है तो इसको हम क्या लिखेंगे, एरिया इक्वल टू क्या, पाई आर स्क्वायर। और हमें पता है अगर मुझे मास चाहिए, डीएम चाहिए, तो मुझे ये प्रोसेस है, सिग्मा इनटू डीए निकालना पड़ेगा, ये पता है कि नहीं पता? यस सर। तो आपको पता है एरिया जो है रेडियस के साथ चेंज हो रहा है, तो आप क्या करो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डीए अपॉन डी आर इक्वल टू पाई इंटू टू हो जाएगा, टू पाई आर, और ये वैल्यू हो गई, तो डीए की वैल्यू देखो तो कितनी हो गई, टू पाई आर इंटू डी आर। ये समझ में आया नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखना एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं। अब हम लगाते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हो गया आर स्क्वायर इंटू तुम्हारा हो गया कितना, आर स्क्वायर इंटू डीएम। अब ये बताओ आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है कि चेंज हो रहा है, इस बार आर स्क्वायर क्या है, देखो ध्यान से, आर स्क्वायर है इस सेंटर से ये जो छोटी सी एलिमेंटेड डिस्क हमने कट की है उसकी दूरी, इस बताओ ये बात बताओ आर की वैल्यू सेम है कि चेंज हो रही है? भाई सेम कैसे है भाई, सेंटर के पास देखो, सेंटर के पास क्या छोटी सी डिस्क कट होगी, उसके बाहर अगर जाओगे तो क्या थोड़ी बड़ी डिस्क कट होगी,
उसके बाहर जाओगे तो क्या बड़ी डिस्क कट होगी, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, है ना। तो अगर तुम सेम ऐसे मत कंफ्यूज हो, जैसे हमने रिंग कट की थी, रिंग के केस में देखो क्या था, इस एक्सिस से इस छोटे छोटे सेंटर की दूरी, तो जब अपन डीएक्स कट कर रहे थे तो वो आर पे ही था, ये वाला भी आर पे ही था, इस छोटे से वाले को हमें देखना है जो डीएक्स कट कर रहे हैं। हमें हमने कट किया है डीए, छोटा सा एरिया हमने कट किया है, तो इस एरिया को सोचो तुम कि एरिया क्या, ये एरिया से आर की दूरी जो सेंटर से वो एरिया है उसकी दूरी क्या सेम है, चेंज हो रही है, तो इस केस में तुम देख सकते हो चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा है? आ रहा है। यस सर। तो अगर तुम्हें ये चीज आ गई तो अब हम क्या करते हैं, देखो डीएम लिखना है तो मुझे डीएम हो गया तुम्हारा सिग्मा इंटू टू पाई आर इंटू डी आर हो गया। अब इस वैल्यू को तुम यहाँ पे चिपका दो और कुछ नहीं, तो देखो आई इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू टू पाई आर इंटू डी आर। लिमिट कहां से कहां तक बोलो जल्दी, लिमिट कहां से कहां, क्या ये रेडियस जीरो से लेके कैपिटल आर तक चेंज हो रही है? देखो डी आर की लिमिट रखनी है, डी आर की लिमिट, तो रेडियस कहां से कहां चेंज हो रही है? जीरो से लेकर आर तक। सबको समझ में आ रहा है इतना पार्ट? ठीक है बच्चा, तो देखो हम यहां से इसको बाहर ले रहे हैं, देखना ध्यान से, टू पाई सिग्मा, ये सिग्मा टू पाई, और क्या कुछ बाहर आएगा? नहीं आएगा। तो ये देखो कितना हो गया आर स्क्वायर, और ये हो गया मेरे ख्याल से आर क्यूब हो गया, आर क्यूब इंटू डी आर हो गया, लिमिट हो गया जीरो से लेके आर तक। इसको इंटीग्रेट करो, देखो टू पाई सिग्मा इंटू, आंसर आया आर की पावर फोर अपॉन फोर, ठीक है लिमिट रखने के बाद सब कुछ। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, टू पाई इंटू सिग्मा की वैल्यू है एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू आर की पावर फोर अपॉन फोर। देखो क्या क्या निपट गया, पाई से पाई निपट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर निपट गया, टू से टू निपट गया। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय टू होता है। समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया, आ गया ना। तो भाई ऐसे किया जाता है और कुछ नहीं, सिंपल प्रोसेस है, इन्हीं प्रोसेस से चलोगे तो तुम्हारे कोई आंसर नहीं। अब यही प्रोसेस मैंने सेम यूज की थी उस क्वेश्चन को करने के लिए, तुम चाहो तो ऐसे ही, तुम चाहो ना तो हॉलो सॉलिड स्फीयर के लिए तुम डिफाइन कर सकते हो, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो, ठीक है। तो वही प्रोसेस की, अब सॉलिड स्फीयर में तुम्हें पता है सॉलिड स्फीयर में क्या है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस में होता है, वॉल्यूम में होता है, तो वॉल्यूम में है तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे एम अपॉन फोर पाई, फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब डिफाइन करेंगे। फिर हम वही छोटा सा आर रेडियस पे जाएंगे, एलिमेंटेड छोटा सा सॉलिड स्फीयर लेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी करेंगे, और बाद में हम इसका मास निकाल लेंगे। समझ में आया नहीं आया ये चीज? ठीक है सर, आ गया। ठीक है, याद रखना हर बार। अब जैसे हमने इसको डिराइव करने के लिए किया है, सेम प्रोसेस वो लोग क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, याद रखना, चाहे इसमें हो चाहे इलेक्ट्रिक चार्जेस में हो, वो लोग क्या करते हैं सिग्मा दे देते हैं हर बार, जैसे सिग्मा दे दिया कभी कभी, या कि रो दे दिया, और तुमसे बोल दिया कि के आर अपॉन कैपिटल आर में चेंज हो रहा है भाई, अब बताओ क्या करना है। तो भाई अगर तुम्हें ये प्रोसेस याद है तो वो प्रोसेस अपने आप समझ में आ जाएगी कि सेम कहानी करना है सर, कि मुझे अगर डीएम चाहिए मुझे तो सिग्मा इंटू डीवी ढूंढना है, डीवी ढूंढना है तो वही काम करना जो अभी हमने किया है, और बाद में ये कर लो। सेम कहानी वो लोग करते हैं कि भाई जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तुमने इस तरह क्वेश्चन बहुत बनाए होंगे गॉस लॉ में, बोलते हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है के इंटू आर अपॉन कैपिटल आर कूलाम पर मीटर क्यूब में चेंज हो रहा है, और ये एक सॉलिड स्फीयर टाइप का है, बताओ इसका कितना चार्ज होगा, कितना कंटेन कर रखा है आर रेडियस में। याद आया कुछ? है ना, तो बेटा है ना, तो इंटीग्रेशन की हर जगह प्रोसेस सेम होती है, आपको रेट डिफाइन करना है, छोटा सेक्शन कट करना है, इंटीग्रेट करना है, बस हर चैप्टर में सेम प्रोसेस है। सेंटर ऑफ मास भी अगर तुमसे कभी पूछ लिया, याद रखना सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर तुम्हें याद हो एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, यही होता है, लेकिन इंटीग्रेशन के फॉर्म में क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन के फॉर्म में देखो क्या हो जाता है, बोलो जल्दी से, याद है तुम्हें, एक्स इंटू डी एम होता है, तुम्हें पता है कि नहीं पता, एक्स इंटू डी एम होता है, याद है तुम्हें एक्स इंटू डी एम, एक्स डी एम क्या भाई, एक छोटा सा मास लेना है, फिर उस मास के लिए हमें सेंटर ऑफ मास डिफाइन करना है, इंटीग्रेट करना है और आंसर लाना है, भाई वही प्रोसेस जो हम अभी अभी इंटीग्रेशन में हमने किए, उसमें भी वो बोल देंगे कि एक एक बॉडी है जिसका चार्ज है जो चेंज हो रहा है तुम्हारा सिग्मा के टाइम्स फॉर एग्जांपल आर स्क्वायर जो भी दे दिया मान लो आर स्क्वायर, और तुमसे बोल देगा के जी पर मीटर स्क्वायर, अब बोलेगा बताओ उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा,
में आया नहीं आया सर? आ गया है ना। तो भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए थोड़ा केयरफुल रहना। तो इसके बारे में हमने भी अब काफी चर्चा कर ली। अब बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबको क्लियरिटी है, किसी को डाउट है बच्चा पार्टी इसमें? क्लियर है सर। चलो तो ये चीजें याद रखना, ये वाला क्वेश्चन बना लोगे? देखो ध्यान से जल्दी से, चार सॉलिड स्फीयर दे रखे हैं, ईच ऑफ डायमीटर रूट 5 सेंटीमीटर एंड मास इतना दे रखा है, प्लेस विद द सेंटर एट कॉर्नर द द दिस कॉर्नर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम अबाउट डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, तो n की वैल्यू बोलो जल्दी से। कल हमने क्वेश्चन किए थे बच्चा इस तरह के, बस इसमें चार पार्ट आ गए हैं और कुछ नहीं। हाँ बच्चा पार्टी हो जाएगा सबसे। सर पहले इसमें सेंटर ऑफ मास निकाल के पूरे सिस्टम का, ना 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 वो नहीं करना है। चलो बोलो भाई, चलिए देखते हैं। ये 1 2 3 एंड ये 4। सबसे पहले देखो, कल मैंने एक बात बताई थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये वाले का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्या है यार, ये सॉलिड स्फीयर है ठीक है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है जल्दी बोलो? 2/5 mr2। बिल्कुल 2/5 mr2, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से 2 मिनट। 2/5 इंटू मास कितना दे रखा है 0.5 और टाइम्स रेडियस, रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, रूट 5 है, तो ये 5√5/100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो यार कितना आएगा, देखो 1/10 आ गया, तो 5 से 5 खत्म, तो 2 × 25/1000, इसको मुझे लिखना हुआ तो मेरे ख्याल से 50/1000 आ गया केजी मीटर स्क्वायर एक का मोमेंट ऑफ। ये जो इसका आधा भी तो करना पड़ेगा, मतलब डायमीटर दे रखा है। 2 × 5 होगा ना ये अंडर रूट ऑफ 5, क्या बोल रहा बच्चा? सर 2 × 5 होगा ना ये अंडर रूट में 5 है ना, तो उसका स्क्वायर होगा तो 5। अच्छा हाँ 5 होगा, सॉरी यार 5 होगा, ठीक है। अंडर रूट 5/2 आएगा क्योंकि ये डायमीटर है, नहीं भाई नहीं 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 डायमीटर दे रखे क्या? अच्छा हाँ यार 5/2 सही बोल रहा बच्चा, एम आर स्क्वायर होता है तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे, है ना? आया समझ में? दोबारा लिख देता हूँ, देखो 2/5 एम हो गया तुम्हारा 0.5, आर हो गया देखो रूट 5/2, ये तो पहले रेडियस हो गया और फिर ये सिंस सेंटीमीटर में है तो नीचे मैं डिवाइड कर रहा हूँ 100 से और इसको कर रहा हूँ स्क्वायर, क्लियर है? यस। फिर इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो ये देखो आ गया 0.2 × 5/2 × 100, नहीं 4 × 1 10,000 हो जाएगा, 100 × 100 10,000, क्लियर है?
फिर एक और इसको भी निपटा दो तो यहाँ पे 10 की पावर 5 आ गया, तो मेरे ख्याल से 10 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर 5, एक से निपटाना चाहो तो इसको निपटा भी दो, तो आंसर आया 1/4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 केजी पर केजी इंटू मीटर स्क्वायर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? Yes, कहीं गलत तो नहीं कर रहे, देख लेना है ना, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने इतना निकाला। फिर अपन चलते हैं, देखो 1 और 3 का सिंस सेम एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना तो हम पैरेलल लगाएंगे ना परपेंडिकुलर लगाएंगे। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. तो 1 और 2 को तो हम सेम लेंगे, बट अगर तुम ध्यान से देखो इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट तो हमें पता है और इसका हमें इस एक्सिस के अबाउट पता है। अब हम इसके लिए लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, भाई यहां से लेके यहां तक की दूरी जो होगी। क्लियर है सबको? Yes, sir. है ना? तो देखो पहले हम लिख लेते हैं एक एक करके। तो I1 और I2 हमें पता है, I1 की वैल्यू तो हमें सेम होगी, देखो I1 इक्वल टू I3 इक्वल टू सेम वैल्यू 1/4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 लेंगे। अब मैं लिखता हूँ I2, ध्यान से देखते चलना। I2 लिखेंगे हम जो उसका ओरिजिनल है 1/4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 प्लस इसका जो मास था, मास कितना था तुम्हारा 0.5 इंटू एक्सिस से दूरी। बताओ ये दूरी कितना है, इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी कितनी है? क्या ये देखो, ये अगर तुम देखो ये डायगोनल का हाफ है, ये तुम्हारा दो पहले डायगोनल निकालो तो √2a आ गया, फिर इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो मेरे ख्याल से ये आना चाहिए a अपॉन √2। समझ में आया? नहीं आया? यस सर। है ना? तो ये इसकी दूरी हो गई। तो सिंस ये कितने प्लेस है, 4 सेंटीमीटर में प्लेस है, तो हम लिखेंगे 4 अपॉन √2 इंटू 100 का होल स्क्वायर। क्लियर है सबको? फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चा, 41/4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 प्लस 0.45 इंटू 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। सॉल्व कर लो, ये हो गया 8, 8 इंटू 5 ये हो गया 4। ठीक है, तो 1/4 प्लस 4 आ गया इसका मेरे ख्याल से इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I2 का जितना आएगा उतना ही मेरे ख्याल से I4 का आएगा। समझ में आया? नहीं आया सबको? यस सर। अब तुम क्या कर दो, बस ऐड कर दो। तो देखो ये हो गया, जो हमारा 1 और 3 था इसमें डायरेक्टली लगा पाए अपना, और हमें सेकंड और फोर्थ के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी अपनी। हाँ वही तो किया बच्चा, देख लो सर 1 और 3 का हम एकदम एग्जैक्टली क्यों निकाल पाए, क्योंकि हमें पता है कि ये सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर का हमें पता है कि चाहे मैं ऐसे पकड़ूं, चाहे मैं ऐसे पकड़ूं, चाहे मैं ऐसे पकड़ूं, चाहे कैसे भी पकड़ूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट 2/5 mr² ही होता है, है ना? समझ गए? यस सर। तो इसीलिए बच्चा हमने उसको डायरेक्टली लगा लिया है और कुछ नहीं किया है। तो अब तुम्हें आई नेट निकालना है तो तुम ऐड कर दो यार, देखो तो ये हो जाएगा, देखो 4 times 1/4 into 10 to power minus 4 उनकी एक्सिस के अबाउट, प्लस हो जाएगा 2 times 4 into 10 to power minus 4, क्योंकि यही 4 है जो दो बार बढ़ेगा और कुछ नहीं। तो ये हो गया 1 प्लस ये हो जाएगा 8 into 10 to power minus 4 which is equal to how much 9 into 10 to power minus 4। तो आपसे पूछा क्या था इसकी वैल्यू, है ना, एन की वैल्यू पूछा था, तो एन की वैल्यू मेरे ख्याल से आ गई 9। अगर हमने सबने सब प्रोसेस प्रॉपर की है तो एन की वैल्यू 9 होनी चाहिए। सर I1 I3 में आपने 2 से डिवाइड क्यों किया? किसमें 2 से डिवाइड किया? I1 सर नीचे आपने 200 लिया है। कहां पे बेटा, किस प्रोसेस में बेटा, बताओ जल्दी से। सर 1/4 10 टू द पावर माइनस 4 आ रहा है आंसर I1 I3 में सर ऊपर। अच्छा I1 और I3 में बोल रहे हो? और ऊपर सर। अच्छा यहां पे बोल रहे हो 5/2 सर आपने क्यों लिया? देख बेटा √5 डायमीटर दे रखा है। यस सर।
और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2/5 mr2। होता है ना? यस सर। तो भाई अगर मुझे रेडियस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? √5/2 करना पड़ेगा, है ना? ओके सर। और फिर इसका आंसर कितना आ रहा है? एक्चुअल आंसर कितना है? तुमने देख चेक किया? एक मिनट में देख लेता हूँ यार इसका आंसर कितना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। बट प्रोसेस समझ में आई कि नहीं आई, पहले तुम ये बता दो। यस सर। है ना भाई, प्रोसेस यही है ना, आपको ऐसे करके निकालना है भाई, और कुछ नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। चलो एक क्वेश्चन करके बताओ अगर तुम्हें इंक्लाइंड वाला याद है तो। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चा, एक रिंग है एक डिस्क है, इनिशियली दोनों रेस्ट में है, साइड बाय साइड एकदम बगल बगल में, टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन में है, विच मेक 60 degree विद हॉरिजॉन्टल, दे स्टार्ट टू रोल विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग हो रही है विदाउट स्लिपिंग हो रही है एट सेम टाइम अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, जो भी शॉर्टेस्ट पाथ वही हो गया, द टाइम डिफरेंस बिटवीन देयर रीचिंग द ग्राउंड इज दिस दिस दिस, तो देन द हाइट ऑफ टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन कितनी है? भाई सिंपल क्वेश्चन आ गया यार ये तो, कर लोगे? है ना, याद होगा तुम्हें एक फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में, वो मुझे अभी एक्चुअल में याद नहीं आ रहा है, बट मैं इसको डिराइव तो कर ही सकता हूँ। अगर ध्यान देखो ये थीटा होता है, फिर क्या फॉर्मूला था यार, एक मिनट, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, √2gh इंटू 1+k²/r² 1/ में आता था शायद। चाहिए सर, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आता था कि जब ये अगर हम डिफरेंट दो बॉडीज हैं उनको रोल करते हैं तो जब ग्राउंड में पहुंचती तो किस वेलोसिटी से करती हैं, फिर इसी फॉर्मूले को एक मिनट, इसमें साइन थीटा भी आता था शायद, रुक जाओ मुझे याद करने दो एक मिनट, एच ये हाइट होगी तुम्हारी एल, तो एच अपॉन एल इक्वल टू साइन थीटा, मुझे चाहिए एल की वैल्यू, तो यहाँ ऐसे कुछ आती थी, मुझे एग्जैक्ट फॉर्मूला याद नहीं है बट एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद है वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से दोनों बॉडीज अलग अलग नीचे गिरेंगी, वेलोसिटी होता है टाइम पीरियड का होता है, याद है सबको? ये तो सर कितना, एक मिनट मुझे देखने दो यार, फॉर्मूला मुझे याद नहीं है और ड्राइव अभी मैं करना नहीं चाहता, यार इसमें कहीं मुझे मिल नहीं रही वो फॉर्मूला क्या था मुझे, तुम्हें वो फॉर्मूला याद है तुम्हें? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इंक्लाइन प्लेन टू रीच द बॉटम, चल हाँ देखो टाइम टेकन का फॉर्मूला होता है बच्चा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हम डिराइव भी कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, 2h 1+k²/r² डिवाइडेड बाय जी इंटू साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है ये फॉर्मूला होता है, अब तुम इसका पूछना मत। तो अच्छा रोलिंग मोशन सबको पता है कैसे होती है? लेकिन जी एडवांस में तो है ना? हाँ सर एडवांस में और मेंस में भी वाले चैप्टर में प्रिपेयर करा नहीं था अपना। अच्छा चलो तो मैं 2 मिनट रोलिंग मोशन बता दूं क्या एक बार अगर टाइम हो तुम लोगों को तो? यस सर।
ठीक है, मैं 2 मिनट रोलिंग मोशन को भी एक बार कवर कर देता हूँ जल्दी से। बहुत आसान सी रोलिंग मोशन है, देख बेटा इसका रूल क्या होता है, ध्यान से देखना, जल्दी जल्दी मैं इसको थोड़ा सा निपटाता हूँ, रोलिंग मोशन आपको समझ में आ जाएगी क्या होती है। देखो सारे के सारे सुनना, देखो रोलिंग मोशन जब होती है, रोलिंग मतलब क्या होता है कि मान लो एक व्हील है, ये व्हील है, अब हम इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट कंसिडर कर ले, मान लो ए है और ये बी है और ये तुम्हारा सी है और ये तुम्हारा डी है। तो अगर मान लो रोलिंग मोशन के केस में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आता है, तो रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ मोशन। क्या क्या मोशन है कि ये एक तो लीनियर भी आगे बढ़ती है और एक ये रोटेट भी कर रही होती किसी एंगुलर वेलोसिटी से। सही बात है कि नहीं भाई? ठीक है, अगर मैं पहले देखो, पहले मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ, पहले वो तुम समझ लो। अगर मैं बोलूं, ध्यान से समझना, लीनियर मोशन, मान लो एक ब्लॉक है और मैं बोलता हूँ ब्लॉक में कि डिफरेंट डिफरेंट ये ब्लॉक जो है आगे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो अगर मैं डिफरेंट पॉइंट कंसिडर करूँ, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी और मान लो यहाँ कहीं डी है, और मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर इस ब्लॉक के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ इस ब्लॉक की ए बी सी डी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? 10। अगर ये लीनियरली मूव कर रहा है, तो लीनियर मूव कर रहा है तो कितनी होगी? सेम होगी सब। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सबकी 10 हो जाएगी। मतलब ये भी, इसका मतलब है सेम टाइम में ये भी 10 मीटर से बढ़ रहा है, ये भी 10 से बढ़ रहा है, ये भी 10 से बढ़ रहा है, और सारे पॉइंट ही 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहे हैं। सेम कहानी होती है रोलिंग मोशन में। रोलिंग मोशन जो होती है, अगर मुझे लिखना है, रोलिंग मोशन होती है एक लीनियर मोशन प्लस सर्कुलर मोशन का कॉम्बिनेशन। पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी कर रहा होता है और रोटेशन मोशन भी कर रहा होता है। तो जैसे मानना, सुन ध्यान से देखना, अगर मैं रोलिंग मोशन में बोलता हूँ, लीनियर वाला पहले केस समझते हैं, मान लो इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, अगर इसकी वेलोसिटी वी है, तो क्या पॉइंट ए की वेलोसिटी भी वी हो जाएगी? होगी कि नहीं? लीनियर की वजह से बी भी वी वी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, सी भी वी वेलोसिटी से बढ़ेगा और डी भी वी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। ये चीज समझ में आएगी नहीं आई? यस सर। है ना, तुम्हारे ए बी सी डी ये सब सेम वेलोसिटी से बढ़ेंगे। बट जब ये सर्कुलर मोशन होगी, ध्यान से समझना, अब सर्कुलर मोशन पे भाई अगर इसकी वेलोसिटी, मान लो इसका रेडियस आर है और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ये पॉइंट ए हुआ, यहाँ पॉइंट बी, यहाँ पॉइंट सी और यहाँ पॉइंट डी, तो क्या एक चीज समझ में आती है कि रोटेशन की वजह से एक ए को एक इधर की तरफ टेंजेंशियल वेलोसिटी मिलेगी, दैट विल बी ओमेगा आर। ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा सबको? यस सर। है ना, तुम सिर्फ ये सोचो कि अगर सर्कुलर मोशन होता, तो सर्कुलर मोशन में ए पार्टिकल को टेंजेंशियल वेलोसिटी मिलती तो इस वेलोसिटी से आगे बढ़ता, डी को अगर मान लो, तो डी अगर ये ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी ओमेगा इनटू आर हो जाती, अगर यहाँ पे सी पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी भाई वी इक्वल टू ओमेगा इनटू आर हो जाती, और जो बी पॉइंट है इसकी वेलोसिटी भी तुम्हारी ओमेगा इनटू आर हो जाती। ये सबको समझ में आया? नहीं आया? यस सर। किसी को डाउट है ये चीज समझने में, सर्कुलर और उसमें? अब जब रोलिंग मोशन होती है तो समझो क्या होता है रोलिंग मोशन में बच्चा, ये होता है, ध्यान से समझना, कि ये जो पॉइंट है ये दोनों को कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेलोसिटीज मिलती है। तो इसका मतलब है अगर मुझे वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ा और तुमसे पूछ ले कि बताओ इसकी नेट वेलोसिटी कितनी है, तो तुम पहले बोलोगे कि सर ए जो है सेंटर ऑफ मास की वजह से लीनियर वेलोसिटी आगे बढ़ रहा है प्लस रोटेशन वेलोसिटी की ओमेगा की आर की वजह से रोटेट कर रहे हैं। बात समझ में आई? नहीं आई? फिर मैं बी की बात करूं तो बी तुम बोलोगे, सॉरी बी तुम बोलोगे कि लीनियर वेलोसिटी की वजह से आगे बढ़ रहा है प्लस ओमेगा आर की वजह से ये इसको इधर की तरफ वेलोसिटी मिल रही है। समझ में आया? नहीं आया? यस सर। फिर सी पॉइंट की मैं बात करूं तो तुम बोलोगे सर लीनियर वेलोसिटी की वजह से ये इधर है बट टेंजेंशियल की वजह से ये कुछ ऐसे रोटेट कर रहा होगा, और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट डी होगा वो लीनियर वेलोसिटी वी रख रहा है बट रोटेशन अपनी ओमेगा आर रख रहा है। समझ में आया? नहीं आया? यस सर। अब अगर तुम्हें ये कहानी समझ में आ गई बच्चा पार्टी, तो अब हम समझना आसान हो गया। अगर तुमसे पूछ लिया किसी भी पॉइंट की नेट, अगर तुमसे पूछा बताओ पार्टिकल पॉइंट ए की नेट वेलोसिटी कितनी है, तो तुम्हें सेंटर ऑफ मास की ढूंढना है
इसकी ढूंढना है और वेक्टर एडिशन करके रिजल्टेंट निकाल लेना। तो वी नेट की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी तुम्हारी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर जो है प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर, और डायरेक्शन तुम्हें निकालना आता है। फिर ऐसे ही बी का पूछ लिया तो बी की वेलोसिटी हो जाएगी वी प्लस ओमेगा आर हो जाएगी, इसकी तुम्हें ऐसे करना है। अब आते हैं डी पॉइंट पे। अब अगर देखो सर्कुलर मोशन सॉरी रोलिंग मोशन जो होती है दो टाइप की होती है, ध्यान से देखना, जो रोलिंग मोशन है वो दो टाइप की होती है। एक होती है जिसे हम बोलते हैं स्लिपिंग, स्लिपिंग विथ रोलिंग, और एक होती है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मतलब जैसे हम नॉर्मल केस में होते, तुम साइकिल चला रहे हो उस केस में तुम्हारा टायर स्लिप नहीं हो रहा है, नॉर्मल केस में हम इसी की बात करेंगे सेकंड वाले, पहले के पहले हम सेकंड केस में बात कर रहे हैं। देखो ध्यान से, तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो पॉइंट कॉन्टेक्ट में है, कॉन्टेक्ट टू सर्फेस है, याद रख लेना कॉन्टेक्ट टू सर्फेस है, स्पेशली जैसे इस केस में व्हील के केस में जो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, क्या ये सर्फेस के कॉन्टेक्ट में है? यस और नो? यस सर। तो अगर ये सरफेस के कांटेक्ट में है तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होना चाहिए उसकी नेट वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? क्या इसकी नेट वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए? देखो अगर नेट वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो सुनो ध्यान से, मान लो इसकी वेलोसिटी 2 मिनट, इस पॉइंट को सोचो, बस इस पॉइंट को सोचो, अगर इसकी नेट वेलोसिटी मान लो जीरो नहीं है, अगर मान लो इधर की तरफ इसकी वेलोसिटी 20 हो जाए और इधर की तरफ 10 हो जाए तो क्या होगा? ये पॉइंट 20 की तरफ ज्यादा बढ़ने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो? तुम खुद देख सकते हो नेट वेलोसिटी से, अगर इसकी नेट वेलोसिटी देखी जाए तो नेट वेलोसिटी से ये पॉइंट आगे बढ़ना चाहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो तुम्हारी स्लिपिंग हो गई। लेकिन अगर दूसरे केस में मान लो ये 30 हो जाए, तो अगर ये 30 हो गया तो अब ये जो वाला पॉइंट है ये 10 वेलोसिटी से इधर की तरफ जाना चाहेगा वो, तो यहाँ वापस स्लिपिंग हो रही है। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? लेकिन जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होती है बच्चा पार्टी, उस केस में नेट वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब है v माइनस ओमेगा r की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, क्योंकि इसकी नेट वेलोसिटी देखो ये सेंटर ऑफ मास, ये रोटेशन की वजह से। तो एट द टाइम ऑफ रोलिंग क्या पूछ लेता है कि जो v की वैल्यू होगी वो ओमेगा r के बराबर होगी। समझ में आया नहीं आया? यस सर। है ना, याद रख लेना। तो रोलिंग के केस में भाई यही गेम होता है। अब हम चलते हैं ये वाला, तुम्हें समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इनक्लाइंड वाला। अब ध्यान से समझना, ध्यान से इनक्लाइंड वाला गेम क्या होता है, ध्यान से सुनना प्लीज। मैं इनक्लाइंड प्लेन ड्रॉ करता हूं और ये एंगल हो गया थीटा, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे हम ब्लॉक ड्रॉ करते हैं, कोई एक बड़ा सा ब्लॉक है, ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया जो सर्फेस से मान लो कॉन्टेक्ट में है। बताओ इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स, जल्दी से। सर डाउनवर्ड में भी सेंटर, सेंटर के अबाउट हम देखें, सेंटर के अबाउट कौन कौन से लग रहे हैं? एमजी लग रहा है सेंटर के अबाउट, ठीक है? सेंटर के अबाउट हमने देख लिया, एमजी लग रहा है। और कौन सा फोर्स लग रहा है एमजी के अलावा, बताओ? कंपोनेंट नॉर्मल, नॉर्मल लग रहा है। चलो नॉर्मल सेंटर से पास होते कुछ ऐसा लग रहा है। और कौन सा लग रहा होगा जो इसको रोल करा दे? और कौन सा लगेगा सरफेस पे? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे पीछे? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन। अब ध्यान से सुनना एक चीज को, मेरी बात को, ठीक है? ध्यान से सुनना प्लीज। अगर ये मान लो सिंपल सी बात है, अगर ये ब्लॉक है और ये रोटेट ऐसे कर रहा है, ठीक है, तो मैं तुमसे पहले पूछता हूं, अगर रोटेशन करना है तो कल हमने सीखी थी रोटेशन तभी मिलेगा जब सिस्टम पे नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो नहीं होगी, याद है? yes, जब नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो नहीं होगी तभी ये रोटेट करेगा, तभी इसके अंदर रोटेशन मोशन आएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट होगा और ये रोटेट करना चालू करेगा। अगर मैं इसमें टॉर्क देखता हूँ, ध्यान से देखना, नेट टॉर्क देखा हूं, तो एमजी की वजह से तो जीरो है। क्यों? क्योंकि वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है और एमजी खुद उसी एक्सिस से पास हो रहा है, तो इसकी वजह से जीरो। नॉर्मल की वजह से जीरो। सिर्फ एक ही फोर्स है भाई जो ग्राउंड पे लग रहा है, वो है फ्रिक्शन, वही इसको फोर्स, वही इसको टॉर्क प्रोवाइड कर सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? Yes, आ रहा। तो यहां पे अगर तुमसे पूछा, बताओ कौन सा नेट टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या ये फ्रिक्शन फोर्स टाइम्स
कैपिटल आर हो जाएगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की दूरी कैपिटल आर है, तो टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन इनटू रेडियस, मतलब फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आया नहीं आया? यस सर। पक्का? कोई डाउट तो नहीं यहां तक भाई? अब देखो आगे समझ, अगर तुम्हें यहां तक समझ में आ गया, आगे की कहानी समझते चलना बस जल्दी जल्दी। देखो अब फ्रिक्शन ये प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये वैल्यू इक्वल टू, तुम्हें पता है ये वैल्यू क्या होती है? फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, क्या ये तुम्हें पता है? ये होता है I into अल्फा के बराबर, याद है नहीं याद है? अगर नेट टॉर्क होगा तो I into अल्फा होगा। तो इस नेट टॉर्क को मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखते चलना बताते चलना। नेट टॉर्क की वैल्यू बच्चा हो जाएगी फ्रिक्शन इंटू आर इक्वल टू आई, आई को मैं लिख रहा हूं एम इंटू के स्क्वेयर, और इसको मैं लिख रहा हूं ए अपॉन आर। बोलो समझ में आया मैंने क्या किया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एमआर स्क्वायर, बट मैं इसको लिख रहा हूं एम इंटू के स्क्वायर। यहां पे के क्या है? ये तुमने रेडियस ऑफ गायरेशन। बहुत बढ़िया, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, मतलब आप अलग अलग बॉडी के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्म इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। समझ में आया नहीं आया? यस। अरे भाई तो ये देखो फ्रिक्शन इक्वल टू क्या, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू देखो ध्यान से बताओ, एम इंटू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स ए के बराबर हुई। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब मुझे इसमें एक्सेलरेशन लिखना है, ध्यान से देखना भाई, इसका मास एम है, तो मैं इसके लिए वो लिख रहा हूं एक्सेलरेशन की इक्वेशन। अगर मैं लीनियरली देखूं, ये तो रोटेशन हो गया, कल मैंने बताया था कैसे कैसे करते हैं, लीनियर भी लिखते हैं रोटेशन भी लिखते हैं, तीनों दोनों चीज लिखते हैं। अब अगर देखा जाए तो क्या ये ब्लॉक इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है? ये समझ में आता है नहीं आता? अगर देखा जाए, अगर ये लीनियरली देखा जाए तो लीनियरली क्या नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, भले वो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा रख रहा है। तो अगर मैं इसके ऊपर इक्वेशन लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, बताना ध्यान से, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। पक्का? ये लीनियर इक्वेशन बनी, ध्यान से देखते चलना, लीनियर बनी, और ये बनी तुम्हारी टॉर्क वाली बनी। हमें पता है जब रोटेशन होता है तो हमें दोनों इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। तो अब इस चीज को मैं लिखता हूं, देखो ध्यान से, एम जी साइन थीटा माइनस एम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस चीज को तुम इधर लेके आ जाओ, देखो, तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए प्लस एम ए इंटू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से देखो तुम्हें, अगर एक्सेलरेशन भी तुमसे पूछ लेता तो देखो क्या हो जाता है, एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए बाहर ले लो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर एम से एम खत्म कर लो तो रोलिंग मोशन में अगर तुमसे एक्सेलरेशन भी पूछ लेता, याद आया, ये फॉर्मूला हो जाता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? सर आ गया। अब तुमसे ये क्वेश्चन भी पूछ लेता कि मान लो एक सॉलिड रिंग है और एक तुम्हारा हॉलो स्फीयर है, दोनों को हम रोटेट करा रहे हैं, बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर, कुछ भी पूछ लेता। समझ में आया नहीं आया सबको? यस सर। आसान है, ठीक है सर। रेडियस ऑफ गायरेशन में समझाता क्या? रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ नहीं है भाई, सिंपल से बता देता हूँ, देखो सुन लो, ये भी बता देता हूँ फिर अपन इसमें आते हैं। देखो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, देखो, अगर ये मान लो एक पॉइंट मास है m और ये दूरी पे रखा हुआ है k और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? क्या ये m k स्क्वायर हो जाएगा? यस सर। यही होगा भाई, m इंटू आर स्क्वायर होता है, r मतलब एक्सिस से दूरी, यहाँ पे k हो गया। अब अगर मैं सेम फॉर एग्जाम्पल ये डिस्क है और डिस्क भी इसी सेंटर के अबाउट रोटेट हो रही है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखते हैं m इंटू आर स्क्वायर, यही लिखते हैं जब वो अपने इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन बताता ये है कि अगर मैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, मान लो अगर ये 2 kg का है,
इस डिस्ट्रीब्यूटेड मास को मैं क्या करूं, एक पॉइंट मास मान लूं और एक जगह पे रख दूं, इसका मास भी मान लूं सेम है फॉर एग्जांपल 2 kg, तो एक्सिस से कितना दूर मुझे रखा जाए कि इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्ट्रीब्यूटेड मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैच कर दे। और मैं नहीं आया, आया नहीं आया भाई? सर मेरे को डिस्क को पॉइंट मास समझना है, उसको किसी एक्सिस से इतना दूर रखना है कि मैं उसको मार्स पर रख सकूं। हाँ देखो, जैसे अगर मैं इस एक्सिस से, इस सेम एक्सिस से, इस एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ, इस सेंटर से जो पास हो रही है, अगर मैं इसका लिखता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए, मैं बोलता हूँ एम आर स्क्वायर है, ठीक है, ये रिंग के लिए वो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। तो अगर जब हम रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि सेम एक्सिस से कितनी दूर एक पॉइंट मास रखूं जिसका मास सेम हो, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड मास का। जैसे फॉर एग्जांपल रिंग का अगर मास 2 है तो इस छोटे से पॉइंट मास का भी मास मुझे 2 kg ही मानना है। तो इस 2 kg मास की उस एक्सिस से दूरी, उस एक्सिस से दूरी जिसकी वजह से जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट है, वही इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस एक्सिस के अबाउट मिल जाए। समझ में आया? तो इसका मतलब है रिंग के लिए अगर मुझे निकालना पड़े तो ये हो जाता है एम आर स्क्वायर अपॉन एम इन टू के स्क्वायर, एम से एम खत्म कर दो तो देखो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 1। समझ में आया नहीं आया? यस सर। यहाँ पर पेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी लगानी पड़ेगी? ना भाई, यहाँ पे कुछ नहीं लगाना, यहाँ निकालने के लिए नहीं, यहाँ पे डिपेंड करता है, यहाँ पे देखो तुम्हें डिपेंड करता है। अब जैसे तुमसे ये पूछ ले कि अगर और किसी पॉइंट के अबाउट पूछ लेता, फॉर एग्जाम्पल ये रिंग है और रिंग का तुमसे पूछ लेता कि बताओ इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट बताओ कितना रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, तो तुम्हें ये पता है इस एक्सिस के अबाउट पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर पैरेलल लगाओ, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, फिर वही कहानी करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहाँ पे एम मानो और यहाँ से के की दूरी मान लो, फिर एम के स्क्वायर को मैच करो तो जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू कितनी हो जाएगी एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस ये हो गया मान लो वैल्यू आई 3/2 एम आर स्क्वायर के बराबर आई, तो यहां से तुम के वैल्यू के बराबर कर दो, के निपटा दो तो ये आ जाएगा 3/2 रूट और आर आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो सेम कहानी करना है, अगर तुम्हें पूछा रेडियस ऑफ गायरेशन तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट निकालो और फिर उसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम इंटू के स्क्वायर के बराबर कर दो, मास सेम मान लो, मास से मास निपट गया के की वैल्यू। क्लियर है यहां तक? बोलो भाई। ठीक है, अब देखो, अब मैंने तुम्हें वेलोसिटी की इक्वेशन बता दी, सॉरी एक्सेलरेशन की इक्वेशन बता दी, ये होती है भाई जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर तुम्हें एक्सेलरेशन पता चल गई तो क्या हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं? देखो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे भाई, वेलोसिटी सेम एंगल है, हाइट मान लो h है और ये थीटा है और मान लो यहां से लेके यहां तक की दूरी कुछ भी है, फॉर एग्जांपल ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है बॉडी की, ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट मान लो तुम्हारा फॉर एग्जांपल कितना है ले लो यार, l ले लो, तो अगर मुझे l लिखना पड़े इस फॉर्म में, अब मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं हाइट पूछता है हमसे, तो मैं इसको हाइट मान रहा हूं, l तुम चेंज होता रहेगा तुम कर लोगे, तो मैं इसको लिख रहा हूं देखो l अपॉन h इक्वल टू साइन थीटा बच्चा, तो L की वैल्यू होगी देखो H अपॉन साइन थीटा। ये समझ में आया नहीं आया सबको? सर ठीक है, अब एक बात बताओ, सिंपल सा इक्वेशन हमें लगाना है, सिंपल सा क्या इक्वेशन है भाई कि अगर कोई ब्लॉक यहाँ टॉप से वेलोसिटी इक्वल टू 0 से चल रहा है तो जब वो यहाँ पे गिरेगा यहाँ पे पहुंचेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा जो भी है, तो हम इसको लगा लेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs जो भी उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। इनिशियल वेलोसिटी हो गया तुम्हारा 0 प्लस ट्वाइस ऑफ जी इंटू सॉरी ट्वाइस एएस होता है, सॉरी जी नहीं एएस लेंगे क्योंकि एक्सेलेरेशन हो रही है, तो ये 2 इंटू एक्सेलेरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट जो भी हो रही है, तो वी की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, वी की वैल्यू आ गई 2 इंटू ए, ए कितना है भाई, ए है तुम्हारा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, और भाई डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एल है, एल कितना है, एच अपॉन साइन थीटा है। समझ में आया नहीं आया सर? yes, है ना, तो वेलोसिटी किस वेलोसिटी से वो नीचे पहुंचेगा उसका फॉर्मूला देखो क्या हो गया, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया? यस सर।
और तुमसे पूछ सकता है बताओ टाइम कितना लगा, जैसे ये क्वेश्चन है टाइम वाला, तो टाइम तुम कैसे निकालोगे, सेम प्रोसेस, हाइट h, l, थीटा, तुम यहां से जीरो से चल रहा है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो गया तुम्हारा u जीरो है तो हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वेयर, डिस्प्लेसमेंट के तो टी स्क्वेयर इक्वल टू हो जाएगा देखो ट्वाइस ऑफ s अपॉन a, तो t की वैल्यू हो गई बच्चा रूट ऑफ 2s अपॉन a, इसको सॉल्व कर लो तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस और s की वैल्यू होगी l, l इज हाउ मच h अपॉन साइन थीटा के बराबर है डिवाइडेड बाय a कितना था g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे भाई तो देखो ये टर्म ऊपर चली गई तो ये हो जाएगी ट्वाइस और कौन कौन सी टर्म जाएगी ऊपर और नहीं जाएगी लग रहा है मुझे ट्वाइस 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर और डिवाइडेड बाय जी साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर मेरे ख्याल से h भी रहा आएगा तो ये h ऊपर रह गया ये ऊपर गया 2h और साइन स्क्वायर थीटा हो गया तो ये बेटा तुम्हारा टाइम पीरियड लगता है इसको नीचे आने में समझ में आया सबको नहीं आया यस सर आ गया है ना अब अगर तुम्हें ये बेटा टाइम पीरियड की कहानी समझ में आ गई तो टाइम पीरियड अब तुम निकाल लो यार टाइम पीरियड तुम्हें समझ में आ गया अगर तुम्हें निकालना तो तुम जल्दी से अपना जाओ और उसमें तुम क्या करो भाई पीएचडी कर दो इसमें अब ये क्वेश्चन छापना है अब ये तो 2 मिनट का काम रह गया देखो सेम फॉर्मूला हमने डिराइव किया जो हमने यहाँ पे डिराइव किया तो आया कि नहीं आया भाई ठीक है देख लेना जो भी हो मुझे नहीं पता कितना होगा देन द हाइट ऑफ द दिस इज इंक्लाइन इन मीटर इज इक्वल टू जितना तो यू कैन फाइंड इट आउट ठीक है क्यों बॉस हो जाएगा सबसे यस सर है ना तो तुम्हें पूरी मैंने बेसिक्स बता दी है अब तुम कर लोगे अब देखो सेम क्वेश्चन रोलिंग मोशन के ऊपर एक और क्वेश्चन आ गया t इक्वल टू 0 एट टाइम t इक्वल टू 0 अ डिस्क ऑफ रेडियस 1 मीटर स्टार्ट टू रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एंगुलर वेलोसिटी अच्छा हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक डिस्क रोटेट हो रही है एक डिस्क रोटेट हो रही है जिसकी रेडियस तुम्हें दे रखा है ठीक है एंगुलर एक्सेलरेशन तुम्हें दे रखा है अल्फा अल्फा की वैल्यू 2/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से रोटेट हो रही है फिर क्या बोल रहा है भाई ध्यान से देखो एक स्मॉल स्टोन इज स्टक टू द डिस्क एक स्मॉल छोटा सा पत्थर सिंपल सी बात है मतलब समझ लो टायर में कीचड़ फंस गया एक स्टक कर गया एट कितना इतने में फिर क्या बोल रहा है एट टी इक्वल टू 0 इट इज द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ द डिस्क एंड द प्लेन मतलब टी इक्वल टू 0 पे भाई ही पत्थर फंसा है समझ लो लेटर एट टी इक्वल टू रूट पाई सेकेंड्स जो स्टोन है वो डिटैच कर रहा है इटसेल्फ एंड फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द डिस्क तो आपसे पूछा है मैक्सिमम हाइट रीच बाय स्टोन मेजर्ड फ्रॉम प्लेन इक्वल टू दिस वैल्यू तो एक्स की वैल्यू कितनी बोलो निकाल लोगे देखो सिंपल से मैं तुम्हें बता देता हूं होता हो क्या रहा होगा तुम कॉन्सेप्ट लगा लेना कुछ समझ जाओगे देखो डिस्क अल्फा दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी 0 है अल्फा दे रखा है तो फाइनल वेलोसिटी भी तुम्हें रूट इतने टाइम के बाद तुम्हें पता चलेगी फाइनल वेलोसिटी कितनी है ठीक है अब अगर ये रोटेट हो रहा है धीरे 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 वेलोसिटी मिल जाएगी मुझे नहीं पता मान लो यहाँ पे वेलोसिटी फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए मान लेते हैं अब तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि ये कहाँ पर डिटैच होगा फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ पर डिटैच होता है टेंडेंशियली ऐसे मूव करेगा और यहाँ जाके ऐसे गिर जाएगा तो यही इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई लेकिन अगर मान लो ये डिटैच यहाँ कहीं से हुआ इस पॉइंट से हुआ तो ये इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी मिली तो इट विल शूट लाइक दिस एंड देन इट विल रीच तो इसकी मैक्सिमम हाइट ये हो जाएगी भाई क्लियर है भाई यस सर
देखो तुमने बहुत कीचड़ उछाले हैं, देखो कीचड़ उछालने वाला क्वेश्चन आ गया तुम्हारे ऊपर। कर लोगे नहीं कर पाओगे बताओ, कर लोगे तो बताओ, नहीं कर पाओगे तो बताओ। कर लेंगे, पता कैसे, मतलब हमें पता करना पड़ेगा कि उसको हार्ड फोर्स कितना लग रहा है, तभी तो वो निकलेगा स्ट्रॉन्ग। फोर्स हमें नहीं पता करना है भाई, फोर्स हमें नहीं पता करना है, हमें सिर्फ ये पता करना है। देख बेटा हमें ये पता करना है सिर्फ कि इतने सेकंड बाद, रूट इतने सेकंड बाद इसकी ओमेगा कितनी हो चुकी होगी। अगर ओमेगा पता चल गया, रेडियस तुम्हें दे रखा, तो क्या वेलोसिटी पता चल जाएगी? यस और नो, यस सर, है ना? और दूसरी चीज हमें ये पता करना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये पता करना है कि थीटा नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कितने डिग्री पे ये डिटैच हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये यहां से डिटैच हो रहा है तो इधर शूट होगा, अगर इधर डिटैच हो रहा होगा तो इधर शूट होगा, तो हमें थीटा पता करना है। समझ गए? कितने एंगुलर टर्न रोटेट कर चुका होगा, दैट इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट। तो चलो इसको जल्दी से निकाल लेते हैं यार। देखो साथ में क्यों तुम्हें परेशान करना, साथ में करते हैं। चलो ओमेगा फाइनल इक्वल टू कितने टाइम दे रखा है ना यार, तो हम फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। अल्फा दे रखा है 2/3 रेडियन पर सेकेंड, इंटू टाइम दे रखा है कितना, रूट पाई। अब रूट पाई कितना होता है यार, ये लोग इसीलिए परेशान करते हैं। दीज आर दीज पीपल आर सो नॉट सो नाइस। बोलो 2/3, अब मैं क्या करूँ, रूट पाई कितना होता है यार। अब एक मिनट यार, थीटा 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 मुझे नहीं पता। चलो फॉर एग्जांपल इतना वेलोसिटी है, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। अब हम पता करते हैं थीटा कितना हुआ, कितने डिग्री रोटेट हुआ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट पता कर लो, डिस्प्लेसमेंट होता है ओमेगा इनिशियल इंटू टाइम प्लस हाफ ऑफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ये वैल्यू 0, हाफ ऑफ 2/3 इंटू रूट पाई का स्क्वायर, तो 1/2, 2/3 रूट पाई का हो गया, तो पाई हो गया, तो 22/7, ये कि पाई ले लो चलो, क्योंकि कुछ मतलब कट तो रहा नहीं, तो पाई ले लेते हैं। 2 से 2 खत्म, तो थीटा, सर रेडियन में रहेगा तो फायदा है। हाँ रेडियन में रहेगा, सब कुछ रेडियन में चलेगा। तो ये देखो कितना हो गया, पाई अपॉन 3 रेडियन। समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ पाई पाई पे पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन मतलब कितना, 60 डिग्री रोटेट हुआ होगा। तो ये भाई देखना, समझना ध्यान से, कितना कैसे सूट हो रहा है, मतलब अगर ये इतना है तो 60 डिग्री भाई कुछ इतना बनाया होगा, मेरे ख्याल से इतना बनाया होगा, समझ रहे हो? और 60 डिग्री पे शूट हो रहा है टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में, तो तुम हाइट भी पता कर सकते हो 60 डिग्री में कितनी हाइट ये ट्रेवल किया होगा। समझ गए? हाइट तुम निकाल लो यार 60 डिग्री की। अगर क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस 1 मीटर दे रखी है। बात समझ सर, में आया नहीं? सिक्सटी डिग्री एंगल की मतलब जैसे हमारा प्रोजेक्ट हुआ होगा ये हमारे व्हील से, हाँ तो 60 डिग्री एंगल मेरे को नीचे हॉरिजॉन्टल से लेना, मतलब एक्चुअली प्रोजेक्टाइल ही बनाने वाला है, तो मेरे को नीचे 60 डिग्री बेस लेना पड़ेगा या फिर नहीं, देखो थीटा सर्कल के क्या है, बच्चे। थीटा क्या है, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ये व्हील, राइट है कि यस नहीं है? तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हील है, इसका मतलब देखो ध्यान से क्या है, व्हील कुछ ऐसे रोटेट हुआ होगा, अगर ये क्लॉक वाइज मान लो ऐसे रोटेट हो रहा है, तो ये कुछ ऐसा हुआ, मतलब ये पहले पार्टिकल यहां था, अब सिंस व्हील रोटेट हो रहा है तो ये पहुंचते 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 यहां पे पहुंच चुका है, समझ गए? और इसकी वेलोसिटी जो है भाई, ये इस वेलोसिटी से टेंजेंशियली शूट करेगा, ये वेलोसिटी से, ये जो इधर की, सॉरी ये यार सही नहीं डायग्राम हो रही, इधर की तरफ वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से शूट करेगा, और ये जाके कुछ ऐसे गिरेगा भाई, ऐसे गिरेगा, प्लेन से पूछा है तो ये करेगा प्रोजेक्टाइल। समझ में आया नहीं आया तुमको? समझ गए? यस सर, तो भाई क्वेश्चन तो बहुत आसान सा था, टफ नहीं है। अब तुम इसको एंगल निकाल सकते हो, देखो तुम एंगल भी चाहो तो निकाल लो, ठीक है? तुम ये क्वेश्चन यार बेहतरीन है, आसान हो गया। देखो कैसे निकाल सकते हो, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना वर्टिकल से, ये वेलोसिटी तुम्हें पता है 90 डिग्री होगी, ठीक है? और ये एंगल इसको हम देखें तो ये अपोजिट एंगल है, तो ये 60 डिग्री हो गया, मतलब वर्टिकल से 30 डिग्री हो गया,
मतलब इसकी ये वेलोसिटी होगी 30 डिग्री, मतलब अब तुम कर लो यार, और ये हाइट तुम निकाली लोगे, ये हाइट कितनी होगी, समझ गए ये कितने हाइट से है, कि ये वही क्वेश्चन हो गया कि टावर के ऊपर से हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल से तो 60 ही आ जाएगी ना फिर, कितनी हॉरिजॉन्टल से, बिल्कुल 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 हॉरिजॉन्टल से 60 आ जाएगी इससे, और फिर तुम ये बिल्डिंग वाला क्वेश्चन हो गया, अगर तुम्हें याद होगा कि बिल्डिंग के ऊपर से हम अगर 30 डिग्री या कि 60 डिग्री से फेंकें तो बताओ कितना मैक्सिमम हाइट गिरेगा और कितना दूर गिरेगा, समझ गए? यस सर। अरे भाई तुम्हारे होश उड़ गए रोटेशन देख के, क्या बोलते हो? बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा सर। तो बना लेना यार, अब मैं थक गया हूँ, ठीक है? और ये क्वेश्चन यार उस वेबसाइट में है, प्लीज बनाओ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लेके आता हूँ, बस वो मैं करवा नहीं पाता, बहुत सारे करवा नहीं पा रहा हूँ, ऐसे इसको करवाना है, बहुत सारे क्वेश्चन करना है आपको, प्लीज ट्राई कर गया है ना। चलो तो मेरे ख्याल से आज हमने बहुत कुछ पढ़ लिया यार, तो रोलिंग मोशन बता दिया मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया, एंड मैनी कॉन्सेप्ट वी हैव डिस्कस, प्लीज ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चन एज मच एज यू कैन। ये पीडीएफ भेज देना। भेज दूंगा मैं भाई, भेज दूंगा, चलो अभी भेज देता हूँ यार इसको, चलो बाय बाय।